25 जनवरी को रिलीज हुई मास्टरमाइंड सिद्धार्थ आनंद की फाइटर ने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से ही पूरे देश में उबाल ला दिया है। ये उबाल है फिल्म को देखने का, सिनेमा घरों में जाकर फाइटर का जश्न सेलिब्रेट करने का और ऋतिक के करियर में चार चांद लगा दी इस फिल्म का सपोर्ट करने का, जो कि इसकी माउथ पब्लिसिटी से साफ पता चल रहा है। फिल्म को रिलीज हुए पूरे चार दिन बीत चुके हैं और आलम यह है कि पहले वीकेंड की जंकी ऋतिक ने पूरे मार्क्स के साथ जीत डाली है। शाहरुख की पठान का वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा कि पार्टी पठान के घर पर रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा ही, अब इसका उल्टा हो गया है। पठान की पार्टी जमीन पर थी और ऋतिक ने आसमान में आग के गोले बरसा डाले हैं और ऐसी आग बरसाई है कि उसकी सेक से घर में घुसे लोगों ने थिएटर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। लोगों के क्रेज के बीच फाइटर ने अब तक कितने पैसों की खेप तैयार कर ली है, चलिए इसका भी एक पूरा ब्यौरा आपको दे देते हैं और बताते हैं कि ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की इस फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन कितना हो गया है। बता दें कि फाइटर ने 22.5 करोड़ की ओपनिंग से अपनी शुरुआत की थी। सबसे शानदार कमाई दूसरे दिन शुक्रवार को रही, जो 40 करोड़ से थोड़ी ही पीछे रही। शुक्रवार को फिल्म ने 39.5 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके बाद शनिवार और रविवार को इसकी कमाई थोड़ी नीचे गिरी, लेकिन ओपनिंग से अच्छी रही। Technil.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने जहां शनिवार को 27.5 करोड़ की कमाई की, वहीं रविवार को इसने 28.50 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसके बाद भारत में फिल्म का पिछले चार दिनों का कलेक्शन 105.45 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं फाइटर के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ओवरसीज लेवल पर फिल्म की कमाई के आंकड़े ट्रेड एक्सपर्ट मनोबाला विजय बालन ने जारी किए हैं, जो कि 3 दिन के हैं। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में बताया कि फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। मनोबाला ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। फिल्म ने पहले दिन 36.04 करोड़ रुपए का, दूसरे दिन 64.57 करोड़ रुपए का और तीसरे दिन 56.19 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।